तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग लेकर के आ गए हैं जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रायल रन के एक टाइम टेबल को लेकर के। देखो, मैंने आप सभी लोगों को मेरे लाइव सेशन में भी बोला था और पहले भी मैंने कई वीडियो में बोला है कि आप लोग प्लीज़ संडे तक का वेट कर लो, आपको पूरी जो डिटेल है ना वो सामने आ जाएगी रेलवेज़ की तरफ से। तो बेसिकली सामने आई गई है और आज की डेट में मैंने आपको बोला था, आज की तारीख में ही, कल के लाइव सेशन में बोला था कि एक बार वेट कर लो। और फिर रात तक एक अपडेट निकल के आ गया था कि जो रैक है वो पेरम्बूर से डिस्पैच हो चुका है, यानी कि अब ये जो रेक है वो जोधपुर पहुंचने वाला है। अभी तक तो पहुंचा नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है अब कल तक या रात तक जो है वो रेक पहुंच जाए। टाइम टेबल के बारे में बात करें तो जोधपुर से 5 जुलाई 2023 को शाम के 3:10 पर ये रेक निकलने वाला है और ये पाली मारवाड़ पहुंचेगा शाम के 3:58 पर। 2 मिनट का हॉल्ट लेकर के मारवाड़ जंक्शन को स्किप करते हुए, जी हाँ, ट्रायल के लिए स्किप किया जा रहा है, खाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फालना पहुंचेगा शाम को 5:15 पे, 2 मिनट का हॉल्ट पहुँच लेगा रेक और आगे निकल जाएगा आबू रोड के लिए, जहाँ ही पहुंचेगा शाम को 6:25 पे। 5 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन पहुंचेगी पालनपुर जंक्शन, पालनपुर पहुंचेगी ट्रेन शाम के 7:28 पे। 2 मिनट का हॉल्ट लेकर मेहसाणा पहुंचेगी ट्रेन रात के 8:14 पे, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। और उसके बाद में साबरमती पहुंचेगी ट्रेन रात के 9:10 पे। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ट्रेन है साबरमती से अगर सुबह जाएगी जोधपुर के लिए तो वापसी का इसका टाइम टेबल ये होने वाला है। खैर, आगे चलें तो वापसी के दौरान ये जो रेक है ट्रायल रन में, साबरमती से निकलेगा रात को 10:05 पे, मेहसाणा पहुंचेगा रात के 10:53 पे, 2 मिनट का हॉल्ट, पालनपुर पहुंचेगा उसके बाद में रात के 11:53 पे, यहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट लेगा। और आबू रोड पहुंचेगा रेक रात के 12:30 पे, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट लेके फालना पहुंचेगा रात के 1:38 पे, 2 मिनट का हॉल्ट लेगा। और फिर मारवाड़ को स्किप करते हुए रात के 2:44 को स्किप करेगा और पाली मारवाड़ होते हुए सुबह के 4:15 पे रेक जो है वो 6 तारीख को सुबह सुबह में पहुंच जाएगा। इस तरीके से जो है एक तरीके से टाइम टेबल का अंदाज़ा भी ले लिया जाएगा। और साथ ही बात करें तो ये एक 8 कोच का रेक होने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 16 कोच का होने वाला है, मैंने आपको पहले ही सारी जो डिटेल है वो दे ही दी थी। तो एक तरीके से मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अभी से जो जितनी भी मैंने अभी तक अपडेट दिए हैं स्पेशली जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के, सभी वंदे भारत सभी जो बातें हैं वो यहाँ पर एकदम सच साबित हुई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी व्यूअर्स जो हैं वो जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि बात जो है वो मेरी एक एक सच होते जा रही है। सो फिलहाल ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे भी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।